नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश ने कोकण में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। मूसलाधार बारिश के आगमन से किसानों को राहत मिली है। वह जल्द से जल्द खेती का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश के कारण रोपे गए पौधे अभी भी पड़े हुए हैं। कोकण में चावल की खेती वर्षा आधारित कृषि है। सही ढंग से रोपे गए पौधे को प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश की कमी के कारण इन पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है। बारिश की कमी से किसानों के हताश होने की तस्वीर इस समय कोकण में देखने को मिल रही है। गौरतलब रहे कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही बारिश ने कोकण में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है। पेरण्या केल्यानंतर पावसानं एक 10-12-13 दिवस दडी मारली, त्याच्यामुळे रोपं उगून यायला उशीर झाला आणि त्यानंतर पाऊस पडला, रोपं वरती आली, रोपं लावणी योग्यही झाली, पण आता नेमका ज्यावेळेला लावणीला आवश्यक पाऊस आहे त्या आता पावसाचा थेंब नाही अशी परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे रोपं आता सध्या सुकून जायत आलेली आहेत, किंवा जिथं लोकांनी लावलेत रोपं ते लावलेली रोपं सुद्धा जागेवरती मारायला लागले अशी सध्या शेतकऱ्याची परिस्थिती आहे।